असलमकुम तो कैसे हैं आप सब आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी खट्टी मीठी चटपटी सी इमली की चटनी जो बनाना बहुत ही आसान है और आप इसे बनाकर स्टोर कर सकते हैं पूरा रमज़ान आप इसे इन्जॉय कर सकते हैं तो चलें स्टार्ट करते हैं बिसमान रही सबसे पहले हमें चाहिए इमली दो ग्राम हमें इमली चाहिए और मैं बीज वाली इमली यूज़ कर रही हूँ और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पानी 800 सौ जो है हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और हम इसे इंस्टेंट बना रहे हैं हम कोई वेट नहीं करेंगे इसको भिगो कर नहीं रखेंगे और इसके बाद जो है पानी इसमें ऐड करके तो हम इसको एक कढ़ाई में ऐड कर देंगे और इसको हम तब तक कुक करेंगे जब तक कि ये अच्छी सी सॉफ़्ट नहीं हो जाती और हम चीनी भी साथ ही ऐड कर देंगे एक कप जो है मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ और ये दोनों चीज़ें जो हैं अब कुक भी होती रहेंगी चीनी जो है वो अच्छी सी इसमें मेल्ट हो जाएगी अच्छी सी डिज़ोल्व हो जाएगी और जो इमली है वो अच्छी सी सॉफ़्ट हो जाएगी और ये देखिए माशा अलहमदिल्ला इमली जो है बहुत ही ज़बरदस्ती सॉफ़्ट होना स्टार्ट हो गई है पानी में भी अच्छा सा बॉयल आ चुका है और इसके बाद हम क्या करेंगे अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसके बाद यहां पर हमें एक बाउल चाहिए और इसके ऊपर हम एक स्ट्रेनर रख देंगे इसको हम अच्छा सा जो है छान लेंगे हमें सिर्फ पानी चाहिए इमली का तो हम पानी को सेपरेट कर लेंगे और इसको हम अच्छी तरह से छान लेंगे और जब तक के मैं इसे छान रही हूं अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियोज को लाइक कर दें साथ में लगे बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त है मैंने इसे छान लिया है और ये जो इसके सीड्स से इसे हम वेस्ट कर देंगे और ये देखें ये पानी जो आप देख सकते हैं अभी तो ये बहुत पतला है अभी ये बहुत रनी है हम क्या करेंगे हम इसे दोबारा से कुक करेंगे इसे हमने दोबारा से पकाना है और ये देखें इसे हम दोबारा से कढ़ाई में ऐड कर देंगे फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है अब हम मसाले ऐड करेंगे यहाँ पर भुना पिसा ज़ीरा ऐड कर देंगे वन टी और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे सौंफ हाफ़ टी स्पून और नमक ऐड कर देंगे हम वन टीस्पून स्पून या आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च वन टीस्पून ऐड कर देंगे और हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे और हम इसे कुक भी करते जाएंगे और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अजवाइन वन एट टी स्पून यानी कि एक चुटकी के बराबर अजवाइन ऐड कर देंगे और यहाँ पर अदरक का पाउडर भी ऐड कर देंगे वन एट टी स्पून इससे क्या होगा इससे टेस्ट बहुत मज़े का आता है इसलिए मैंने अदरक का पाउडर इसमें यूज़ किया अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं इसके बगैर भी चटनी बहुत मज़े की बन सकती है अब हम इसे अच्छा सा मिक्स करते जाएंगे और तब तक हम इसे कुक करेंगे जब तक कि यह थिक ना हो जाए और अगर आप चाहें तो आप इसमें फ़ूड कलर भी ऐड कर सकते हैं मैं एक चुटकी के बराबर रेड कलर यूज़ कर रही हूँ मैंने बहुत कम ऐड किया है आप चाहें तो आप इसे भी स्किप कर सकते हैं और ये देखें मैं इसे मिक्स भी करती जा रही हूँ और तब तक हम इसे कुक करेंगे जब तक कि ये थिक ना हो जाए ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्ती जो चटनी है वो तैयार हो चुकी है बहुत ही ज़बरदस्ती ये थिक हो चुकी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और जब भी आप इसे स्टोर करें अच्छी तरह से ठंडी होनी चाहिए और इसके बाद आप किसी भी ड्राई जार में आप इसे एक फ़्रिज में रख के आप कई महीनों के लिए आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं और ये देखिए थिक हो गई है फ्लेम ऑफ हो चुका है और आपको मैं दिखाती हूँ कि इसकी क्या निशानी है देखिए जब आप इस तरह करेंगे तो ये चमच से बिल्कुल बहेगी नहीं ये बहुत ही ज़बरदस्त सी है बहुत ही कमाल की बनी है बहुत ही थिक बनी है हमने कोई इसमें कॉनफ्लोर ऐड नहीं किया और कितनी मज़ेदार सी ये बन चुकी है जब भी आप इसे स्टोर करें आपका जार ड्राई होना चाहिए इस बात का ख्याल रखें और जब भी आप चटनी यूज़ करें तो जो भी आप चमच इस उसमें डालें तो चम्मच भी वो ड्राई होना चाहिए गंदा या गीला चम्मच नहीं होना चाहिए और ये देखिए माशाल्लाह अलहमदिल्ला कि इतनी ज़बरदस्ती ये चटनी तैयार हो चुकी है तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है समझ आई है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा दुआओं में याद रखिएगा मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अला